अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी जो वीडियो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग की है, ईद की शॉपिंग की है कि कैसे मैंने ड्रेसेस बनाए हैं, बनाए नहीं है, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है इस बार, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था मार्केट वगैरह जाने का, तो मैंने ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन ही की है। तो ये मन्नत क्लोथिंग से मैंने एक सूट मंगवाया था, ये नंबर वगैरह सब मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आप लोग चाहें तो इनकी वेबसाइट पे कर सकते हैं, बाकी मैं इंस्टा पे जाके भी इनकी वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छे कपड़े थे इनके, बहुत ज़बरदस्त कलर्स थे, सारे सूट बहुत अच्छे थे। मुझे ये अच्छा लगा था, डार्क मैरून कलर का सूट है ये, लेकिन ये थोड़ा सा रेड लग रहा होगा आपको कैमरे में, लेकिन ये डार्क मैरून कलर का था। तो फ्रॉक थी, ये ओपन फ्रॉक थी, इसमें बटन्स लगे हुए थे नीचे तक, और थोड़ा सा नीचे से जाके इसका खुला हुआ था, ओपन हुआ हुआ था, और ये स्लीव्स थी, इसमें भी बटन्स लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत बनी हुई थी, कफ बने हुए थे। और ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, प्लेट्स डली हुई थी इस तरह पूरी फ्रॉक में, अम्ब्रेला स्टाइल में थी है ये फ्रॉक, और प्लेट्स डली हुई हैं। फुल प्लेन सूट था, लेकिन ये टू पीस था, ट्राउज़र और फ्रॉक। तो ये मुझे 3,500 समथिंग में कुछ ऐसे पड़ा है, ठीक है। तो रीज़नेबली था, इससे अगर किसी और ब्रांड पे जाते तो वो और भी ज़्यादा महंगे पड़ते। ट्राउज़र इसका प्लेन है, बिल्कुल भी कोई भी डिज़ाइन नहीं बना हुआ, सिंपल सा ट्राउज़र है, पूरी डिटेलिंग मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से आप इसका डिज़ाइन देख लें, और पहन के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये पहन के कैसा लगेगा। ये दुपट्टा मेरे पास मैचिंग का निकल आया था, मेरे पास था, तो वो सेम मैच हो गया। वैसे इसके साथ प्रिंटेड अगर हम दुपट्टा लेंगे मल्टी कलर में तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, और आजकल फैशन में भी है। तो ये दूसरा सूट था, ये भी मैंने मंगवाया था ऑनलाइन ही, ये इकरा क्लोथिंग है, ये नंबर है इनका, फेसबुक है, इंस्टाग्राम की आईजी वगैरह सब इन्होंने दी हुई है। कैश ऑन डिलीवरी था, ये सबसे अच्छी बात होती है कि कैश ऑन डिलीवरी है तो आप बस उसी वक्त हाथ के हाथ पैसे दे दें और सूट भी देख लें, लेकिन सूट चेक करने को देता नहीं है, पहले पैसे लेते हैं फिर उसके बाद आप सूट देख सकते हैं। लेकिन जब आप पूरे व्यूज़ देख लेते हैं, सब जो सूट पे व्यूज़ आए हुए होते हैं, तो उसे एक आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि किस टाइप के सूट आएंगे यहाँ से। तो एक ये सूट था, ब्लू कलर में था, बहुत प्यारा लग रहा था, इसका कपड़ा ऑर्गेन्जा का था, टिशू ऑर्गेन्जा होती है, एम्ब्रॉयडर्ड है, फुल स्लीव्स पे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, गले पे भी हुई हुई है, और मिरर वर्क हुआ हुआ था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी दामन में इसके पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और मिरर वर्क हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसका करीब से भी मैं दिखाऊंगी इसका वर्क। ये ट्राउज़र था इसका ब्लैक कलर का, और इस ट्राउज़र के जो पैंचे हैं उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। इसका कपड़ा थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था, मतलब बहुत एहतियात से पहना जाएगा, लेकिन शर्ट वगैरह का बिल्कुल सही था, लाइनिंग लगी हुई थी बकायदा, पूरी नीचे तक ही लाइनिंग थी, ऐसा भी नहीं था कि शॉर्ट हो, वो बहुत बुरी लगती है मुझे जो शर्ट लॉन्ग हो और लाइनिंग छोटी हो। ये इसका दुपट्टा था फुल, बहुत बड़ा 2.5 गज का दुपट्टा था, और एक साइड पर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी पूरी, जैसे एक माथा पट्टी स्टाइल जो होता है वो, और बाकी साइडों पे ये किरण लगी हुई थी, बहुत प्यारा दुपट्टा लग रहा था, और कंट्रास्ट में था, कंट्रास्ट इसका अच्छा भी लग रहा था, ब्लैक और ब्लू, ये देखें
आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं ईद वाले दिन कौन सा पहनूँ सूट, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगर ऑनलाइन भी हम शॉपिंग करें तो बुरा नहीं है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑनलाइन के लिए कि आप किस तरह से डील कर रहे हैं उन लोगों के साथ। अभी टाइम भी बिल्कुल नहीं था मेरे पास कि मैं बाज़ार जाती, रमज़ान में तो वैसे भी मैं नहीं जाती, अगर मैं तैयारी करती हूँ तो मैं रमज़ान से पहले ही तैयारी कर लेती हूँ। रमज़ान में मुझसे बिल्कुल शॉपिंग नहीं होती, तो बस मैंने इसीलिए ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे सारे सूट ताकि ईज़िली मुझे मिल जाएँ। अच्छा, एक सूट ये था, ये स्काई ब्लू कलर का है, कुछ शेड इसका चेंज लग रहा है, लेकिन ये स्काई ब्लू था, बहुत प्यारा लग रहा था। ये इतना अच्छा लग नहीं रहा होगा आपको वीडियो में, लेकिन ये रियल में बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे इस टाइप के कलर्स और सिंपल से डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी ऑनलाइन मंगवाया था, इसके स्लीव्स बहुत प्यारी लग रही थी और ये भी टू पीस था, स्लीव से बहुत प्यारा डिज़ाइन बना हुआ था और ट्राउज़र भी इसका सिंपल था, शर्ट भी सिंपल थी, गले पे मैंने आपको दिखाया ऐसा डिज़ाइन बना हुआ था और स्लीव्स थी। तो ये मैंने वाइट दुपट्टे के साथ पहन लिया था और इसी तरह पहनूंगी भी। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा, एक ये मेरा शर्ट था, ये मैंने खाड़ी से लिया था और ये सिर्फ शर्ट ही था, ये भी बहुत प्यारा था, ये भी डार्क मैरून कलर का है। मेरे पास दो मैरून और रेड शेड में आ गए सूट। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे लग रहे होते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है वो उसी कलर के ऊपर हमारी नज़र जा रही होती है और हमारा दिल चाहता है कि बस यही वाला कलर ले लें, लेकिन दो मेरे पास आ गए थे। खैर कोई बात नहीं, ये सिर्फ शर्ट है और इसका स्टाइल बिल्कुल अलग है। ये लॉन्ग शर्ट है, साइड में से खुली हुई भी है और इसकी प्लेटें डली हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही थी पहनकर, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था रियल में। वीडियो में शायद आपको इतना अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन रियल में ये बहुत अच्छा इसका स्टाइल लग रहा था, एक लुक आ रहा था पहन के बहुत प्यारा। इसका हल्का सा कॉलर सा बना हुआ था और बस बटन लगे हुए थे और प्लेटें डली हुई थी साइड पे। ये मैं प्राइस दिखा रही हूँ, ये मेरे ख्याल में 3,000 तक मुझे शर्ट पड़ी है, 3,500 तक की पड़ी है खाड़ी से। बहुत लूज स्टाइल में थी ये, लेकिन प्यारी थी। आजकल ऐसी चल भी रही है ना लॉन्ग और ढीली ढाली शर्टें टाइप। ये देखिए मैंने वाइट ट्राउज़र के साथ इसको पहना और वाइट दुपट्टा इसके ऊपर लिया। ज़ाहिर मैं स्कार्फ लेती हूँ ना तो वो मेरे लिए इजी हो जाता है, अगर मैं सिर्फ स्कार्फ भी लूँ और दुपट्टे को भी मैं स्कार्फ की तरह ले सकती हूँ। इसमें मैंने यही किया है, दुपट्टे को मैंने स्कार्फ की तरह पहन लिया है ना। ये फ्रंट पे आपको प्लेटें भी नज़र आ रही होंगी इसके। तो एक ये ग्रीन कलर का था, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, तो ये मैंने स्टिच करवाया है टेलर से, तो बिल्कुल सिंपल, ये इतना लाइट सा कलर था, इसके ऊपर मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाई, सिर्फ पाइपिंग लगवाई है और इसके ट्राउज़र का कपड़ा स्लीव्स में लगवा लिया, उस पर प्लेटें डलवा ली हैं और सिंपल पाइपिंग लगी हुई है। ये फ्रॉक स्टाइल में ही सिलवाया है मैंने, क्योंकि इसी तरह मुझे अच्छे लगते हैं। मैं स्कार्फ लेती हूँ उसमें फ्रॉक का ही या मैक्सी का ही स्टाइल अच्छा लगता है। तो ये मैंने स्लीपर पहन ली थी जो मैंने खाड़ी से ली थी, और ये मैंने तारिक रोड से ली थी, और फ्रॉक और ये ग्रीन दुपट्टा था इसका प्रिंट में। चलें जी, यहीं पे वीडियो का एंड होता है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।